नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अभी रिसेंट्स में इंस्टाग्राम में एक रील्स काफ़ी वायरल हुआ और उस पर वीडियोस बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है बिकॉज 24 नवंबर के दिन दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो शेयर किया था एक्स पे, जिसका पहला नाम ट्विटर था, और उस पर यह बताया गया था कि भारत में किस तरह से रोड एक्सीडेंट होता है, और उसकी रिगार्डिंग इस पार्टिकुलर सॉन्ग को जो वायरल हुआ है मोए मोए के नाम से। तो इसमें हम हिंदुस्तानियों ने कई सारा वीडियोस, कई सारा कॉमेडी वीडियोस एंड रील्स जो है बनाया है दोस्तों। तो मुझे लगा ये विषय, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर आवर प्रिपरेशन, स्पेशली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। और इस वीडियोस के माध्यम से करंट अफेयर को हम कनेक्ट करेंगे स्टैटिक टॉपिक से कि किस तरह से भारत में रोड एक्सीडेंट्स का जो मैटर है और उसके रिगार्डिंग जो है क्या कंडीशन है राइट नाउ वर्ल्ड में, इंटरनेशनल लेवल पे क्या कंडीशन है, इन्हीं सारी चीज़ों को साझा करेंगे दोस्तों। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे फ्रंट स्क्रीन पर, ये तो ऐड आप लोग हमेशा देखते हैं टेलीविजन पे, और जनाब क्या चल रहा है, तो यहाँ पर जवाब आया है मोए मोए चल रहा है। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट क्या है वो आप समझ सकते हैं किस चीज़ का है। और फाइनली यहाँ पर देखिए कई सारा जो भी है क्लिप ऑलरेडी वायरल है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ऐसा कई सारा क्लिप वायरल है। बट सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो मोए मोए नाम का जो टर्म है या फिर ये जो आपका सॉन्ग है, एक्चुअल में इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, आज इस पर बात किया जाएगा पहले। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर सॉन्ग के ओरिजिनेशन का, तो नॉर्मली एक सर्बियन सिंगर है 23 ईयर ओल्ड, जिनका ये गाया हुआ गाना है। और ये जो मोए मोए नाम का टर्म है, इसका इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो होता है माई नाइट मेयर्स। ठीक है, रिमेंबर रखना है माई नाइट मेयर्स। तो बेसिकली इस पार्टिकुलर सॉन्ग को यूज किया गया था भारत का जो रोड एक्सीडेंट है उसके अवेयरनेस और कैंपिंग चलाने के लिए। और सबसे पहले शुरुआत जो किया गया था वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया था 24 नवंबर के दिन, और फिर इस पार्टिकुलर इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते हुए जो वेस्ट बंगाल जो पुलिस है वो भी इस पार्टिकुलर प्रोग्राम को जो है चलाई है दोस्तों रोड एक्सीडेंट्स को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस सॉन्ग कम्स फ्रॉम कोरस ऑफ सर्बियन सिंगर टियाडोरा दिस वन 2023 सॉन्ग जैनम रिमेंबर। ठीक है, ए रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स मोजे मोरे दिस वन, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है सिंपल है माई नाइट मेयर्स, यानी कि जो कोरस में सिंगर है, जो लीड सिंगर एक होती है एक कोरस में रहता है, तो कोरस में जो सिंगर है वही जो है इस पार्टिकुलर टर्म को यूज करती है मोए 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 मोए, यानी कि माई नाइट मेयर्स इसका मीनिंगफुल जो भी है दोस्तों। और ये काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड है, कई सारे लोग इस पे वीडियोस बनाए हैं, तो बहुत बेहतरीन है। आप इस वीडियोस को तो देखे होंगे ऑलरेडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक था इस पार्टिकुलर सॉन्ग का ओरिजिनेशन कि कहाँ से ये पार्टिकुलर जो है सॉन्ग आया, इसके सिंगर कौन है। और सिंगर से जब इंटरव्यू लिया गया तो काफ़ी वो उन्होंने प्यार जताया कि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली इस पार्टिकुलर सॉन्ग को भारत की जो पुलिस है वो इस पार्टिकुलर सॉन्ग को यूज कर रही है एज ए कैंपिंग चलाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स के मामले को लेकर। तो साल 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट्स का एक रिपोर्ट आया था, एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था जिसमें कई सारी चीज़ों को हाईलाइट किया गया रिगार्डिंग रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की अगर हम बात करेंगे 2022 में कितना हुआ था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 461,312 के आसपास ये रोड एक्सीडेंट हुआ था पूरे भारत में। और इसके साथ साथ अगर हम फेटेलिटीज एंड इंजर्ड्स की बात करेंगे तो 1,68,491 फेटेलिटीज, और इंजर्ड्स की बात करेंगे हम लोग तो 443,366 के आसपास है दोस्तों। ठीक है, दिस फिगर्स रिप्रेजेंट एट 11.9% ईयर ऑन ईयर, यानी कि पर साल इंक्रीजेस हो रहा है, यानी हर साल क्या है दोस्तों कि ये रोड एक्सीडेंट हमारे भारत में ये इंक्रीजमेंट जो है ये चलता ही जा रहा है हर साल 11.9% के हिसाब से। इसके साथ साथ 9.4% राइज इन फेटेलिटीज और 15.3% नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। आपको पता है कि रिसेंट्स में भारत के एक बेहतरीन क्रिकेटर ऋषभ पंत थे, उनका भी रोड एक्सीडेंट हुआ था, इससे पहले और भी कई सारा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है। ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 32.9% जो एक्सीडेंट है वो टुक प्लेस, यानी कि कहाँ पे होता है, तो दोस्तों तो नेशनल हाईवे एंड एक्सप्रेस वे में होता है। और इसके साथ साथ 23.1% जो रोड एक्सीडेंट है वो आपका स्टेट हाईवे में होता है, और जो बचा रिमेनिंग वो नॉर्मल जो रोड है आपका जीटी रोड या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, तो 43.9% का कॉन्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। 36.2% जो फेटेलिटीज है ये आपका नेशनल हाईवे, इसके साथ साथ 24.3% जो है दोस्तों आपका वो स्टेट हाईवे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 39.4% जो है दोस्तों वो अदर रोड्स में जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम होता है दोस्तों। इसके साथ साथ
कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा जाए कि इस पार्टिकुलर रोड एक्सीडेंट होने का मेनली कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है कंडीशन है। तो देखिए पहला तो क्या है कि आपका डेमोग्राफिक इंपैक्ट, यंग एडल्ट्स इन द एज ग्रुप 18 से 45 अकाउंटेड फॉर 66.5% ऑफ द विक्टिम इन 2022, यानी कि सबसे ज्यादा जो रोड एक्सीडेंट हुआ हमारे भारत में वो 18 से 45 साल के जो युवा हैं उसके दौरान हुआ है और लगभग 66% के आसपास जो है 2022 में ये लोग विक्टिम बने हैं दोस्तों। रूरल और शहर और अर्बन की बात करें जाए एक्सीडेंट्स में तो 68% जो आपका रोड एक्सीडेंट है जिसमें डेथ हुआ है वो आपका रूरल एरिया में हुआ और अर्बन एरिया में लगभग 32% जो है दोस्तों वो है हमारे भारत में, यानी कि गांव के एरिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट और शहर के एरिया में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कम एक्सीडेंट है। व्हीकल्स कैटेगरीज की बात किया जाए कि टू व्हीलर्स है कि आपका फोर व्हीलर है या बड़ा जो है लॉरी है, तो ये जो वीडियोस वायरल हुआ था ये नॉर्मली जो दिल्ली पुलिस का कैंपिंग था 24 नवंबर को, ये टू व्हीलर्स में एक स्टंट कर रहा था युवा दिल्ली में जिसका वीडियोस को जो है वायरल किया गया था दोस्तों। तो टू व्हीलर्स की अगर हम बात करेंगे सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर में अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट शेयर इन बोथ टोटल एक्सीडेंट्स एंड फेटेलिटीज इन 2022 दिस फॉल, और लाइट व्हीकल्स इंक्लूडिंग कार, जीप्स, टैक्सी इन सब की बात करें जाएंगे तो वो सेकेंड पोजिशन पर आता है। इसके साथ साथ कई सारा और भी इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों इसमें फैक्ट्स एंड फिगर है जो आपके पेपर्स में काफ़ी हेल्प करेगा, स्पेशली मान के चलिए GS2 के पेपर में जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक पार्ट आता है और साथ साथ GS2 में जो आपका पॉलिसीज एंड एक्ट्स का एक जो पार्ट आता है, इंपॉर्टेंट बिल्स का जो एक पार्ट आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है कि ये आपका मेंस के पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी हेल्प करेगा फैक्ट्स एंड फिगर। अब हम बात करेंगे एक चार्ट वाइज के स्टेट एंड यूटीज की वाइज अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का ड्यूरिंग 2021 एंड 22 में, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स है जिसमें से दो कलर से रिप्रेजेंट्स किया गया है, एक आपका ब्लू है और दूसरा आपका जो है हल्का जो है ऑरेंज कलर से है दोस्तों। और इस पार्टिकुलर कलर में आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु से जो शुरू होता है और यहाँ पर आपका चलता है दमन एंड दीव दोस्तों, जो नॉर्मली यहाँ पर बताया जाता है कि इस पार्टिकुलर एक्सीडेंट्स का जो भी यहाँ पर रीजन है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि रोड एक्सीडेंट्स का क्या कंडीशन है, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे होता है, तो देखिए भारत तो है हाईएस्ट नंबर पे, पहला ये पॉइंट याद रखना है, भारत का गया है हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टोटल पर्सन किल्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। भारत के बाद अगर किसी का नंबर है तो चाइना का है, और आपको पता है कि अभी तो भारत का जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, देन उसके बाद चाइना का है, और तीसरा जो नंबर है आपका वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है दोस्तों। लास्ट वेनेजुएला जो है हाईएस्ट रेट ऑफ पर्सन किल्ड है, यानी कि पर 1 लाख पॉपुलेशन दोस्तों, ये रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट्स का, तो अब क्या है दोस्तों कि भारत सरकार रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे क्या वो इंपॉर्टेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम है, क्या कैंपिंग है जिससे रोड एक्सीडेंट्स कम हो पाए। तो पहले हम बात करेंगे ग्लोबल लेवल पे, तो एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ था जिसका नाम था ब्राजीलिया डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी 2015 का, और इसमें कई सारा एग्रीमेंट किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का 2030 में, तो लगभग आपका जो है ये इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। इसके साथ साथ 2021 से 30 के बीच का एक है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी रेजोल्यूशन है किस चीज़ को लेके कि इम्प्रूव किया जाए ग्लोबल रोड सेफ्टी को लेकर के, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ग्लोबल प्लान अलाइन विद द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम IRAP, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। इसके साथ साथ भारत में अगर आप बात करेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमारी भारत की सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देश में एक कानून है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो काफ़ी बेहतरीन था और इसके रिगार्डिंग कई सारा जो है चीज़ों को सॉल्व भी किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कैरियज बाय रोड एक्ट 2007, इसके साथ साथ आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट एक्ट है नेशनल हाईवे लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2000, लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1998। यहाँ तक था दोस्तों इंपॉर्टेंट जो भी इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम है इंटरनेशनल लेवल पे, देन आपका नेशनल लेवल पे, और इसके साथ साथ जो मोए मोए जो सॉन्ग है उसको किस तरह से रिलेशंस हुआ आपके पार्टिकुलर एग्जामिनेशन पॉइंट से, तो यूं ही इसी तरह से जो है आप अपने एग्जामिनेशंस को रिलेट कर पाएँ करेंट अफेयर से, स्टैटिक टॉपिक से, ताकि आपका जो भी करेंट न्यूज़ चल रहा है वो कहीं ना कहीं UPSC सिविल सर्विस में कहाँ पर हेल्प करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। लास्ट में हम कंक्लूजन्स पे आते हैं कि आखिर इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है दोस्तों कि हमारे देश में जो यंग पॉपुलेशन है तो ज़्यादातर जो एक्सीडेंट आपने देखा कि 18 से 45 के एज ग्रुप में है, तो अब इन लोगों के बीच में क्या है कि थोड़ा सा और अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना होगा
और साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना होगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक्चुअल में लाई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लाई है, लेकिन और थोड़ा स्ट्रिक्ट करना होगा ताकि इस तरह का एक्सीडेंट कम हो जाए। आपको पता है दोस्तों कि जब एक युवा एक किसी भी कंट्री का एक एसेट होता है और उसका अगर मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उससे कंट्री को भी नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार अपना प्रोग्राम चला रही है और आने वाले दिनों में और भी अच्छा प्रोग्राम आएगा जिसके थ्रू ये सारा जो एक्सीडेंट है वो कम होगा और हम लोग ये साबित करेंगे कि बहुत बेहतरीन लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक अपना जो है एक बेंचमार्क सेट करेंगे रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, यूं ही प्यार फैलाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।